Question number 15. Competition. Steam machine, EQ and R, which are of different nature, are used in a department of a factory. From the following information, compute machine hour rate of machine hour. आपको क्या निकालना है machine hour? Rate निकाला किस machine का बताओ तो? R का. आइए सबसे पहले क्या लेते हैं लोग fixed. Fixed costs. Total cost of machine P, Q and R है 50,000. Out of which cost of machine R is rupees 10,000. Its estimated scrap and working life है 18,000 hours. ठीक है, उसका पूरा life दिया हुआ 18,000 hours. Range जो है, total area है 1,000 square foot. And machine R के पास occupy किया है 250 square foot, amount है 780. Lighting है total 12 light points है, ये दो machine R के पास में है. Insurance of all machine है 45 rupees per quarter. Consumer stores है 60 rupees per month. Supervisor salary है 6,000, 1/4 time devote करता है. Repair maintenance for the life है 1,800 rupees का. ठीक है, मशीन आर कंज्यूम 5 यूनिट ऑफ पावर एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 16 पर 100 यूनिट. मशीन आर विल वर्क 2000 आवर्स पर एनम. दे दिया ना, यहाँ से पता चल जाएगा. तो एक साल में कितना काम करता है? 2000 घंटा काम करता ना, और 18,000 जो दिया हुआ ना उसको डिवाइड करना 2000 से, तो उसका लाइफ निकल जाएगा. लाइफ उसका होगा जो भी डिवाइड करना, और आगे देख लो. आउट ऑफ विच नॉर्मल आइडल टाइम जो है 8% है ऑफ टोटल वर्किंग आवर, एंड टाइम फॉर रूटीन मेंटेनेंस है 40, एंड आइडल टाइम ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ मशीन है 20. आइए, और जो वो जो दिया हुआ ना लाइफ, उसका भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ का यूज नहीं हो पाएगा, लाइफ से बन जाएगा सब. नोट 1, कैलकुलेशन फॉर इफेक्टिव वर्किंग आवर ऑफ मशीन. नॉर्मल वर्किंग आवर कितना बताओ तो 2000 लेस आइडल टाइम 8% है, 2000 का 8% 160, और एक आगे टाइम है
idle time for routine maintenance 40 1800 वर्किंग आवर. एक ब्रेकडाउन ऑफ मशीन वाला लेस नहीं होगा. आइडल टाइम ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ मशीन आइए फिक्स कॉस्ट में क्या क्या लिखेंगे. रेंट, देखो रेंट कैसे निकालेंगे. रेंट है 780 रुपया पर एनम, तो 780 लेंगे. ठीक है, सो कैसे डिवाइड करेंगे बताओ. तो रेंट को एरिया के बेसिस में टोटल एरिया से डिवाइड करेंगे 1000 स्क्वायर फुट, और इस मशीन के पास जितना एरिया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो इस मशीन के पास कितना एरिया है 250, और डिवाइड किससे करेंगे 1000. सॉल्व कर, लाइटिंग टू एटी एट है एंड 12 टोटल लाइट पॉइंट्स है 12, और मशीन आर के पास है 2, तो 2/12 48. इंश्योरेंस ऑफ ऑल मशीन है 45 रुपया पर क्वार्टर. तो देखो 45 × 4 साल भर का निकल गया. इंश्योरेंस को किससे डिवाइड करते, कॉस्ट से डिवाइड करते हैं ना. तो सारा मशीन का कॉस्ट है 50,000 एंड मशीन आर का कॉस्ट है 10,000. ठीक है, निकाल लो. कंज्यूमर स्टोर्स ₹60 × 12 पर मंथ है 720. सुपरवाइजर सैलरी 6000 साल भर का है क्या? Yes. आपके पास कितना टाइम डिवोट किया 1/4 1500. रिपेयर नहीं चाहिए अभी, ठीक है, पावर नहीं चाहिए, ऐड करो. इसका नाम रखना टोटल फिक्स कॉस्ट पर 1800. Therefore, fixed cost per hour
24 डाला है, 19 से डिवाइड करेंगे 1800 से, बात ये तो फिर बी कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन? मशीन का कॉस्ट है कितना? मशीन आर का 10,000, उसका स्क्रैप कितना है 1,000, लाइफ कितना उसका 18,000, वो बैठा है मर्जी के पास छोकरा देखा तो और होगा ना बात करना 0.5 पावर पावर कितना देखो तो 1 घंटा में 5 यूनिट पावर कंज्यूम करता है एंड 16 रुपये में 100 यूनिट पावर आता है, 5 का निकाल दो लाइफ ये डिवाइड कर ली हो गया मैंने वो लाइफ पूरो इंटरनल लाइफ पे 8 घंटा काम करते काज करते बारे ताले 8 या भी डिवाइड करे दी तो 1 घंटा कॉस्ट अभी नहीं जाते ना रिपेयर एंड मेंटेनेंस लाइफ डिवाइड कर दो 10 पैसे बोल रहे हैं तो नहीं पढ़ाते तू हाँ सुनो ना अरे गांव से तो चूरा आया है घुस देगा गांव से चूरा आया चूरा घुस देगा उसको जो खर्चा लगेगा बोलना दे देंगे ठीक है 2 किलो भेजेंगे 2 किलो भेजेंगे 2 किलो आज जो खर्चा लगेगा बोलेगा भेजवा देंगे ठीक है हाँ तो ये सबको आओ 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 पैसा दे रहे हैं सीधा कर रहा हूँ 53 हो चुका देखिए तो करवा नहीं 53 हो गया
बताते हैं देखिए हुआ है सुनिए क्वेश्चन नंबर 49 और 48 हो गया 48 एंड 53 सेम सम्स है 49 हो गया चलिए खत्म हो जाएगा क्या स्टार्ट करेंगे बताइए क्या इसका क्या बचा हम लोग का रिकंसिलेशन बचा हुआ क्या पेंडिंग क्या क्या हम लोग का रिकंसिलेशन है और प्रोसेस कॉस्टिंग है ना प्रोसेस हो गया ऑपरेटिंग बचा है ना बैच तो करवा दिए हैं जॉब कॉस्टिंग नहीं करना पड़ता प्रैक्टिस कंप्यूटेशन ऑफ देखिए वो जो ऑपरेटिंग जो बचा हुआ ना ऑपरेटिंग चॉइस में छूट जाएगा मैट लगी हुआ बता दे रहे ऑपरेटिंग चॉइस में आएगा ऑपरेटिंग करवाएंगे क्लास में अभी इतना हुआ है ना सिर्फ एक चैप्टर करवाएंगे तो आपका पूरा कवर हो जाएगा देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता देखेंगे ये जो देखें इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन करवाएंगे फिर थ्योरी बता देंगे कुछ कुछ उसको पढ़ने जाना है और थ्योरी में से एक क्वेश्चन रहेगा उस करवा देंगे देखिए मटेरियल देखिए हो चुका हम लोग का ना मटेरियल 10 नंबर का लेबर हो चुका है ओवरहेड हो चुका है 20 नंबर का तो 10 + 10 कितना हो गया 20 ओवरहेड 20 कितना हो गया 40 अच्छा ओवरहेड के साथ ही कॉस्ट है कॉस्ट ना उसी के साथ है कॉस्ट उसी में इसका मतलब कॉस्ट इसी के अंदर इंक्लूड है या तो पता है ना या तो ओवरहेड से 15 नंबर का पूछेगा या फिर कॉस्ट से 15 नंबर का पूछेगा कॉस्ट पूछेगा तो ओवरहेड से छोटा क्वेश्चन या नहीं भी आ सकता है ठीक है
कितना मार्क्स कवर हुई आप लोग का यहाँ? 40। देखो ये 20 मार्क्स के अंदर ये आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोसेस है और ऑपरेटिंग है। तो दो चैप्टर तो कर चुके हम लोग ना, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोसेस कर चुके हैं। तीन क्वेश्चन में दो करना रहेगा, तीन क्वेश्चन में से दो करना है। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये भी कवर हो चुका 20 मार्क्स का। ठीक है, अभी हम फोकस करेंगे ना, पहले यही करेंगे, पहले ये रिकंसिलेशन, ये कंफर्म आएगा 10 नंबर का, इजी चैप्टर। अगले क्लास में रिकंसिलेशन स्टार्ट करें, इस हफ्ते में रिकंसिलेशन हम लोग रिकंसिलेशन और उसके साथ कॉस्ट लेजर भी ना इस महीने में खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो अगले महीने पहले थ्योरी पढ़ा देंगे, देखो ये जो थ्योरी वाला पार्ट है ना वो पार्ट पहले पढ़ा देंगे। एग्जाम कब? 26 तारीख एग्जाम है ना, कोशिश करेंगे 10 तारीख तक सर कवर कर देंगे। इसके बाद हो सकता है ना कुछ रिवीजन क्लास भी हम लोग रखेंगे, दो रिवीजन क्लास दोनों बैच के एक साथ कंबाइन कर देंगे, कुछ क्लासेस रखेंगे तो फटाफट एक दिन में एक चैप्टर रिवाइज करेंगे, फास्ट ट्रैक रिवीजन। घर में प्रैक्टिस करिएगा, कंप्लीशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव। मशीन आवर और जॉब कॉस्टिंग ऐसा तो कोई समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, उसे लेकर टेंशन मत ले। इसका नाम क्या हो, कॉस्ट पर हाफ ईयरली, ये सम्स हाफ ईयरली। ठीक है, देख लेना, हम देख लिए ऑलरेडी। एंड कॉस्ट पर आवर, आइटम्स ऑफ कॉस्ट। In a manufacturing concern ABC Limited, the machine shop has 8 identical machines manned by 6 operators. ठीक है, एक manufacturing concern में, एक manufacturing concerns में total machine कितना है? Machine है हम लोग का 8, लेकिन operator है 6. Machine cannot be worked without an operator wholly engaged on them. Machine तब तक काम नहीं कर सकता है जब तक operator उसमें wholly engaged ना रहे। ठीक है, मतलब ऑपरेटर तभी काम कर पाएगा। ठीक है, मतलब मशीन तभी काम कर पाएगा जब एक ऑपरेटर उसमें होली इंगेज रहे। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन है 8 लाख रुपया, मशीन का टोटल कॉस्ट है 8 लाख रुपया। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू अ 6 मंथली पीरियड, नीचे जो इंफॉर्मेशन है 6 महीने का जो टाइम पीरियड है। ठीक है, 6 महीने का जो टाइम पीरियड है उसका इंफॉर्मेशन नीचे दिया हुआ है। ठीक है, नीचे इंफॉर्मेशन जो 6 महीने का टाइम पीरियड का दिया हुआ है। रेडी? देखिए बोला है एप्स नॉर्मल आइडल नॉर्मल अवेलेबल आवर्स पर मंथ, एक महीने में 208 घंटा टाइम अवेलेबल है। एब्सेंटिज्म विदाउट पे, बिना छुट्टी का 18 घंटा काम एब्सेंट होता है, मतलब छुट्टी लेता 18 घंटा। लीव विद पे, छुट्टी मांग के गया है, एब्सेंट मतलब बिना बोले हुए नहीं आने को एब्सेंट बोलते हैं, अब बोल कर यदि नहीं आता तो उसको लीव बोलते हैं। ठीक है, वो 20 घंटे का है। नॉर्मल आइडल टाइम जो है वो 10 घंटे का है। एवरेज रेट ऑफ वेज जो है पर डे ऑफ 8 आवर्स, ठीक है, 20 रुपये का है। प्रोडक्टिव बोनस जो है 15% ऑफ वेजेज है। पावर एंड कंज्यूमर स्टोर्स दिया हुआ है, बाकी एक्सपेंस दिया हुआ है। आइए पहले निकालेंगे हम लोग कि मशीन आवर कितना है। नोट वन, कैलकुलेशन फॉर मशीन आवर वर्क। अच्छा,
क्वेश्चन देखिए, मेसिन आवर के बारे में कुछ बोला नहीं है, सिर्फ लेबर का बोला है। पर स्टार्टिंग में बोला था ना, मेसिन तब तक काम नहीं करेगा जब तक लेबर फुली एंगेज्ड नहीं रहेगा। इसका मतलब जो लेबर आवर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मेसिन आवर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड में कॉलम करो, इसका नाम रखना आवर्स। नॉर्मल वर्किंग, नॉर्मल वर्किंग आवर कितना बताओ तो 208 प्लस 18 लीव आइडल टाइम 10 बताओ। Six operators. Machines cannot be worked unless a worker is wholly engaged on it. कब तक नहीं काम कर सकता है मशीन, जब तक एक वर्कर उसे पूरी तरह से एंगेज ना हो जाए। ठीक है, हेंस मशीन आवर is equivalent to labor hour. ठीक है, मशीन आवर किसके बराबर हो जाएगा, लेबर आवर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लिखना लेबर आवर वर्क 160 घंटा काम होता है एक महीने में, 6 महीने में कितना होगा और 6 वर्कर है कितना काम करेगा, देखो 5760 आवर्स। देयरफॉर मशीन आवर वर्क कितना होगा, सेम ना उतना ही होगा क्योंकि दोनों बराबर है, इक्विवेलेंट है। कॉम्प्रिहेंसिव निकालना है, इसका मतलब आपको निकालना पड़ेगा नोट नंबर 2 कैलकुलेशन फॉर डायरेक्ट वेजेज। अच्छा, डायरेक्ट वेज के लिए आवर्स फिर से निकालना पड़ेगा, कितना घंटे का होगा फिर से निकालना पड़ेगा। क्यों,
क्योंकि देखो एब्सेंटीजम विदाउट पे है, छुट्टी मारने पर ही पैसा कटता है। लीव लेता है विद पे है, लीव का छुट्टी मिलता है, लीव में पैसा मिलता है। नॉर्मल आइडल टाइम जो है अनअवॉइडेबल है। नॉर्मल आइडल टाइम क्या आपका अनअवॉइडेबल है, मतलब उसका पैसा मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब वेज निकालते समय नॉर्मल वर्किंग आर कितना होता है 208। उसे लेस करो एब्सेंटीजन, एब्सेंटीजन 18 190। तो लेबर आवर क्या होगा बताओ, 190 इंटू 6 इंटू 6 6840 hours. Therefore, night wage क्या होगा? डेट वेज कैसे निकालेंगे बताओ तू? 20 रुपया, देखो एवरेज वेज क्या है, 20 रुपया देते हैं 8 घंटे के लिए, तो 6840 के लिए निकालो कितना होगा? 17,100। बोनस कितना होगा? देखो बोनस कितना बोला है, प्रोडक्टिव बोनस 17,100 कितना परसेंट है? 15% निकाल। 2565। आइए बैक टू आंसर पेज। फिक्स्ड कॉस्ट्स, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्टिव बोनस कितना निकाले थे?
2565 देखो खर्चा देखते रहना कि सुपरविजन एंड इनडायरेक्ट लेबर मिला, सुपरविजन एंड इनडायरेक्ट लेबर कितना 3300 इलेक्ट्रिसिटी 1200 ठीक है, रिपेयर नीचे आएगा, इंश्योरेंस कितना इंश्योरेंस बताओ तुम 42,000 का ना, लेकिन इसका हाफ लेना, क्यों हाफ लेंगे बताओ तुम, क्योंकि ऊपर बोला है ईयरली खर्चा, ऊपर देखो बोला है फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर ऑन ईयरली बेसिस ना, और सम मान लो आपका 6 महीने का 21,000 डेप्रिसिएशन सही है, अदर फैक्ट्री एक्सपेंस हाफ लेंगे 12,000 का हाफ 6,000 मैनेजमेंट एक्सपेंसेस सिक्स 3670 का हाफ 3,000 को डिवाइड करना 5760 से बताइए 10% लेंगे फिर उसका 6/12 करेंगे, क्यों करेंगे 6/12 छ महीने का निकालेंगे फिर डिवाइड करेंगे उसको 5760 से 6.9 पावर एंड फ्यूल ₹9,000 है, किससे डिवाइड करेंगे 5760 से 1.56 नीचे देखो रिपेयर एंड मेंटेनेंस सिक्स
3% ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन 8 लाख का 3% इंटू 6/12 बाय 5760 2.08 और कुछ है देखो तो मैं सब ले लिया करेंगे।